सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि सभी अच्छे डॉग ही होंगे। इनफॉर्म। और आपको पता ही होगा कि मैं आज कौन से टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉग मेटिंग होने के बाद उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या साइन होते हैं कि वो कंसीव कर गए, तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो यार दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन उसे लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ आपसे यही निवेदन है, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर डालता हूँ दोस्तों, प्लीज़। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, रोटवेलियर, लेब्रा और ये क्या नाम है, स्मॉल ब्रीड्स, लार्ज ब्रीड्स, ये मीडियम ब्रीड्स की सभी की जानकारी बता रहा हूँ कि ये कंस्यूम करने के क्या क्या लक्षण्स, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो आपको मैं भी पिक्चर में शो कराऊंगा और देखोगे आप पहले दिन में तो दोस्तों पता ही नहीं चलता, बस ये है। और उसका जो विजाइना है उसमें से है ना, क्या नाम है, जैसे वो 30 दिन की होगी, 20 दिन की होगी ना, उसके वो जो विजाइना है उसमें से सूजन नहीं हटेगा, थोड़ा सा कि रहेगा लेकिन रहेगा। और स्पष्ट चीज़ ये है कि उसके जो निपल्स होते हैं वो पीछे लास्ट वाले जो दो निपल्स होते हैं उनमें आप नोटिस करना, फर्स्ट से वो अगर थोड़े लटकने लगेंगे, झूलने लगेंगे ना, तो ये है कि 100% आपकी फीमेल डॉग कंसीव हो गई। और मेरे को सभी पूछते हैं कि मेटिंग होने के बाद वजाइना से ब्लड आता है, तो दोस्तों वजाइना से ब्लड आना तो नॉर्मल चीज़ है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है दोस्तों। 90% फीमेल कंसीव कर जाती है और बाकी 10% फीमेल रह जाती है, खाली निकल जाती है। और उसमें से ना कोई पोल्स भी हो जाता है, पोल्स तो वैसे देखा नहीं मैं, होता भी नहीं है पोल्स। और ठीक है ना, 99% जरूर फीमेल डॉग कंसीव निकल जाती है और वो आपको 30 या 20 दिन बाद पता चलेगा। मैंने आपको बताया कि लास्ट जो निपल्स होते हैं उसे पता चलेगा दोस्तों आपको, ये तो 20 दिन में पता चल जाएगा, प्लीज़। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है, बाय।